नमस्कार मेरे दोस्तों, आज सरकारी नौकरी login.com लेके आया है आयकर क्रीडा हैदराबाद रिक्रूटमेंट 2018 फॉर 9 यंग प्रोफेशनल्स टू अनदर पोस्ट। आयकर दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर दैट इज क्रीडा हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल टू अनदर्स। इसकी नोटिफिकेशन डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर अक्टूबर महीने में रिलीज हुई थी। अब वॉक इन इंटरव्यू डेट है 22nd and 23rd October 2018। आयकर क्रीडा हैदराबाद वैकेंसी डिटेल, पहली पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल इन कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है MCA, MSc इन CS और IT, MTech इन CS और IT, और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। दूसरी पोस्ट का नाम है सीनियर रिसर्च फेलो NRM डिवीजन आयकर न्यू दिल्ली, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है MSc इन एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस, जिसकी वैकेंसी है 1। यंग प्रोफेशनल जो तीसरी पोस्ट का नाम है NRM डिवीजन आयकर न्यू दिल्ली 2nd, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एंटोमोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट माइक्रो एंटोमोलॉजी पैथोजेनिक माइक्रो, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यंग प्रोफेशनल 2 क्रीडा हैदराबाद, इसका हमने पहले ऊपर मेंशन किया था उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। फिर है जूनियर रिसर्च फेलो क्रीडा हैदराबाद, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और प्लांट पैथोलॉजी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अब एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर यंग प्रोफेशनल 2 एंड अदर जॉब पोस्ट। यंग प्रोफेशनल 2 कंप्यूटर साइंस 45 ईयर फॉर मैन एंड वुमेन, सीनियर रिसर्च फेलो एंड NRM डिवीजन आयकर न्यू दिल्ली 34 ईयर फॉर मैन एंड 40 ईयर फॉर वुमेन। यंग प्रोफेशनल NRM डिवीजन आयकर न्यू दिल्ली 2, जिसके लिए एज लिमिट लगती है 45 ईयर फॉर मैन एंड वुमेन। यंग प्रोफेशनल 2 क्रीडा हैदराबाद, जिसके लिए एज लिमिट रहती है 45 ईयर फॉर मैन एंड वुमेन। जूनियर रिसर्च फेलो क्रीडा हैदराबाद, इसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर फॉर मैन एंड 40 ईयर फॉर वुमेन। एज रिलैक्सेशन रहता है SC ST OBC PWD वुमेन एज पर द गवर्नमेंट रूल। अभी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो वॉक इन इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं ऑन 22nd and 23rd October। आप ये जो PDF दिया है हमने वीडियो में उस पर क्लिक कर सकते हैं और उनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान से सुनने के लिए और आपका समय देने के लिए शुक्रिया।